ऐसा करने से माँ के दामन पर जो दाग लगा है वो तो नहीं मिटेगा, लेकिन ये समझ लो दाग मिटाने की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो इस बॉक्स को मुझे मेरे कमरे में छुपाना चाहिए, अपनी अलमारी में, लेकिन करण का कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं भी दाग जाके करता है, तो इसको कहाँ रखूं? हाँ, इस ड्रॉअर में रख देती हूँ, किसी की नजर नहीं जाएगी, किसी का शक नहीं जाएगा। सृष्टि का फोन। बोल सृष्टि। हाँ दी, कुछ मिला क्या? मिला ना, एग्जैक्टली वही मिला जो ढूंढ रही थी। क्या बात कर रही होती, आपने क्या गुड न्यूज दी है मुझे? तुझे सुन के कोई शॉक नहीं लगेगा, वही मिला जहाँ मैंने कहा था। कहाँ मिला? मायरा के कमरे में, वो लड्डुओं का बॉक्स पड़ा था जो सरगी में मुझे खिलाए गए थे, जो उसकी माँ लेकर आई थी। समझ गई ना? इसका मतलब सरगी में जो लड्डू मैंने खाए वो माँ के बनाए हुए नहीं थे, इस बॉक्स में से थे जो उसकी माँ लेकर आई थी, और वो जहर वाले लड्डू थे। मुझे ना ये जंगली बिल्ली मायरा पे इतना गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है कि उसे चीट फाड़ के किसी जंगल में भेज दो, किसी ऊंचे वाले टावर से नीचे गिरा दो। ए, काम डाउन सृष्टि। नहीं दी, काम डाउन होने का टाइम नहीं है। देखो दो बातें तो सच है, एक आपने जहर वाला लड्डू खाया है, और दूसरा उस जंगली बिल्ली मायरा की जो सो कॉल्ड मम्मा है रमोना आंटी, वो भी आपको जहर वाले लड्डू खिलाने के प्लान में बिल्कुल शामिल थी। यार मुझे समझ में नहीं आता यार, रमोना आंटी ऐसे कैसे कर सकती है, वो भी तो एक माँ है। उनकी वजह से हमारी माँ पर गलत इल्जाम लगाया गया। ये दोनों माँ बेटे की करामात है, ये तो दी मैं बता रही हूँ, हमें अपनी मम्मा के माथे पर से एक कलंक जल्द से जल्द निकालना होगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं, इसका प्लान है मेरे पास दी। कैसा प्लान बता? ध्यान से सुनो, प्लान ये है, रीता तो अपनी माँ के घर गई थी, तो वापस कब आई? ये फोन पे किससे बात कर रही थी? इसको देख के लग रहा है कि जरूर कोई प्लान बना रही थी, लेकिन प्लान किसके लिए? ये तो मायरा के कमरे के पास थी, कहीं मायरा के साथ कुछ? मायरा तुम क्यों चिल्ला रही हो? तुम क्यों चिल्ला रही हो? अरे भूत जैसी दिखोगी तो चिल्लाऊंगी नहीं, तो क्या करूंगी? मैं भूत जैसी दिख रही हूँ? ऐसी दिखोगी तो भूत नहीं बोलूंगी। शर्लिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम बकवास कर रही हो, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? मैं अभी अभी तुम्हारे कमरे में आई हूँ, मैं ये सब कैसे करूंगी? उलन अभी तुमको मैंने आवाज दी थी ना, जब तुमने मुझे टाल दिया था। ये मैंने नहीं, ये उस प्रीता ने किया। मैंने अभी अभी उसे बाहर कॉरिडोर में देखा तुम्हारे कमरे से निकलते हुए। देखा वो तुम्हारे साथ क्या क्या करने लगी है कॉरिडोर में। अभी उसे सबक सिखाती हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। करण मैं हूँ। मायरा, मायरा ये क्या क्या हुआ चेहरे को? अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता था। जाके मुंह हाथ धो जाओ, ऐसा लग रहा कोई डैन। मेरा कहने का मतलब अजीब लग रही हो, जाके मुंह हाथ धो लो। हाँ कोई और देखेगा तो उसे हार्ट अटैक आ ही जाएगा। क्या हुआ? हाँ मैं तो यहाँ था भी नहीं, तुम टेंशन में क्यों लग रही हो? टेंशन में? हाँ
मैं टेंशन में इसलिए थी कि तुम यहाँ नहीं थे तो टेंस्ड हो गई। क्या बात है मिसेस लूथरा, करण लूथरा से फ्लर्ट कर रही हैं? जी नहीं, फ्लर्ट नहीं कर रही, उल्टा मैं तो ये सोच रही थी कि तुम यहाँ नहीं हो तो तुम पता नहीं किसके साथ जाकर फ्लर्ट कर रहे हो। आई मीन पता नहीं किसको जाकर परेशान कर रहे हो। जेलस हो गई? जेलस? या नहीं हो गई? गलत फहमी है तुम्हें, मैं ऐसी बातों से जेलस नहीं होती हूँ। लेकिन मैं तो हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा वाला अच्छा नहीं बोल रहा, लेकिन अगर किसी और को जाकर परेशान करोगी तो मैं जेलस हो जाऊंगा। मैं परेशान करूंगी? मैं किसी को जाकर क्यों परेशान करूंगी, मैं किसी को कभी भी परेशान नहीं करती। What a joke. तुम जिस दिन से मुझे मिली ना, जिस दिन से मेरी लाइफ में आई, तब से मुझे परेशान कर रही हो। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे मेरी गाड़ी में, जब मैं तो प्रिटी चिक्स के साथ था फ्रंट सीट पे और तुम पीछे वाली सीट पे आके चिपक गई थी, छुप गई थी, कैसी अजीब सी आवाज निकली थी और मैं डर गया था। हाँ मेरी डेट की ऐसी की तैसी कर दी थी तुमने। कुछ तो शर्म कर लो, अपनी बीवी के सामने खड़े होकर अपनी डेट की बात कर रहे हो और दूसरी लड़कियों की तारीफ कर रहे हो। तारीफ? मैंने कब तारीफ की? मैं तो कह रहा था कि मैं रोमांस कर रहा था। अच्छा ठीक है, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। लेकिन बात कर सकते हैं, कर लो। क्या बात करूं? कल शादी के बाद पहली बार मैं अपने घर गई थी रहने, माँ से मिली, सृष्टि के साथ इतना सारा टाइम बिताया, हम सब ने बैठ के कितनी सारी बातें करी, तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि घर पे सब कैसे हैं, मजा आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उल्टा मुझे ये याद दिलाने पे तुले हो कि कैसे मैंने तुम्हारी डेट में आकर इंटरप्ट किया, कैसे एक फ्लर्ट के साथ मैंने शादी कर ली। ओ हेलो, तुम बोलो ना बोलो, मैं भी अपने आप को याद दिलाता रहता हूँ। ओके, कि मैंने एक अबला से नहीं एक बला से शादी की है। आई विश वो प्रिटी लड़कियां मेरी लाइफ में थी। प्रिटी चिक्स। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जिन लड़कियों की तुम बात कर रहे हो ना वो बिल्कुल भी प्रिटी नहीं थी। और एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, ये जो तुम्हारी दोस्त है ना मायरा, ये भी प्रिटी नहीं है। मुझे तो वो एक छोटी सी चींटी जैसी लगती है जो पूरे घर को काटने पे तुली हुई है। एक्चुअली पता है मायरा वाला पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने उसे बाहर देखा, वो पता नहीं काली भूतनी बन के घूम रही है, कुछ अजीब सा मेकअप काला वाला, मार्केट में कोई नया मेकअप आया होगा काले कलर का, उसे लगा के घूम रही। मैं तो डर ही गया, एकदम काली भूत। क्या करूं? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं है। मायरा जस्ट काम डाउन। क्या क्या काम डाउन? क्या है ये, मेरे फेस से निकल भी नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, ये उसने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। मैं इसका बदला ना उससे लेकर रहा हूँ कि मैं अभी एक बार ये हटा लू ना, मैं सीधा जाकर करण को बताऊंगी कि ये सब कुछ ना प्रीता ने किया है मेरे साथ। वो जब प्रीता से पूछेगा ना तब उसको समझ में आएगा, उसको जब बताना पड़ेगा ना उसने कितना गलत क्यों किया मेरे साथ। मायरा देखो, प्रीता ने जो हरकत की वो बहुत ही बच्चों वाली, लेकिन करण को कंप्लेन करके क्या फायदा? हमें कुछ ऐसा करना है, मतलब बहुत बड़ा करना है, जिसकी वजह से प्रीता मुंह के बल गिर जाए। करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन ये बचकानी हरकत नहीं है, ये बहुत गलत किया है उसने मेरे साथ। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, अभी तुम देख लो, मैं बस एक बार ये साफ हो जाए। ये निकल ही नहीं रहा है, क्या क्या है इसने, क्यों लगा दी है। समझती क्या अपने आपको? मायरा मायरा रुक जाओ। क्यों रुक जाऊं? आज नहीं रुकूंगी मैं। प्रीता ने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है, कोई बच्चों वाली हरकत नहीं है ये। चलो तुम वहां नहीं थी जब करण ने मुझे ऐसे देखा ना, वो पता नहीं क्या बोल रहा था कि मैं भूतनी लग रही हूँ। करण क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? जो उसने मेरे साथ किया है ना एग्जैक्टली ये मैं उसके साथ करूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं प्रीता को। मायरा प्रीता ने जो मायरा के साथ किया वो बहुत ही बच्चों वाली हरकत है, ऐसा कुछ भी करके प्रीता को कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन प्रीता ने किया क्यों है, कारण क्या है? तुमने मेरा फेस काला किया था ना, मैं तुम्हारा फेस एकदम वाइट कर दूंगी, इतना वाइट कि जब कारण तुम्हें देखेगा ना उसे लगेगा कि कोई सफेद भूतनी उसके सामने खड़ी है। तुम्हारी वजह से कारण ने जब मुझे देखा मुझ पर हंस रहा था, अब देखना तुम पर हंसेगा वो। मुंह पे हाथ रख के क्यों हंस रही हो? ऐसे हंस लो ना, खुल के हंसो यार।
नहीं, मैं तो हंसी नहीं रही। तुम होती ना तो तुम भी हंसती। एक्चुअली मैंने जब उसे देखा ना मुझे शॉक लगा, फिर मैं थोड़ा डर भी गया, फिर मैं वहां से निकल गया क्योंकि उसे ना लगे कि मैं उसका मजाक बना रहा हूँ अपनी हंसी रोक के। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मुझे मजा पर बहुत गुस्सा आ गया। तो ये सब तुम्हारा किया था ना, तुमने किया उसे मिस वर्ल्ड से मिस भूतनी तुमने बनाया। नहीं मैं वजह नहीं पूछ रहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास हजार वजह है उसे भूतनी बनाने के लिए, लेकिन जो भी किया ना अच्छा किया। ऐसे प्रीता लूथरा एक बात बताओ, ये तुम जो फीमेल करण लूथरा बन रही हो ना, आई एम लाइकिंग इट। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अरे किया भी तो अच्छा ना, तुम्हारा प्रमोशन हो गया यार, आई लाइक इट, आई लव इट। वैसे तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे पसंद है, जहाँ इनोसेंट बनना होता है वहाँ इनोसेंट बन जाती है, और जहाँ शिकायत करनी होती है वहाँ शिकायत कर देती है। वैसे जो किया ना अच्छा किया, मैं काफी दिनों से हंसा भी नहीं था, आज खुल के हंसेंगे। तुम क्यों नहीं हंस रही? तुम भी हंसो ना। नहीं हंसो ना, देखो देखो कुछ मत करो, आप नहीं जाचो। माय गॉड, अब तुम स्टैचू हो ही गए, मुझे भी फायदा उठाना चाहिए। कविता से बच्चे थोड़ी ना कि हम स्टैचू स्टैचू खेलेंगे ना। क्या देख रहे हो? साफ करो। थैंक्स गिरीश। ओह बाय द वे, ये दरवाजा ना खुला ही रखना क्योंकि भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। ओके। सृष्टि जी बहुत मजाक करते हैं। अब तो कोई आया क्या? आते ही होंगे ना, रास्ते में होंगे। रास्ते में होंगे बोले तो अब तक तो लोगों को आ जाना चाहिए था दी। आ जाएंगे ना, तू चिंता मत कर। सुनो ना, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे प्लीज कुछ खाने दो ना। काम बाद में शुरू होता है तो जो भूख पहले लग जाती है। एक मिनट, आज जो मैंने काम किया ना उसकी तो आपको मुझे शाबाशी देनी चाहिए, और वैसे भी हर बड़े काम के बाद ना बहुत भूख लगती है, और आपने तो सुना होगा ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो दैट्स व्हाई। अच्छा ठीक है ठीक है, दिमाग मत खा, कुछ अच्छा खा। अच्छा ओके। वही घंटी बजी है, लगता है सब आना शुरू हो गए। गिरीश कब से बेल बज रही, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? गिरीश अरे आ रही हूँ, रुको। यार इस डायन की प्रॉब्लम क्या है, कितना कड़वा बोलती है, इसको थोड़ी मिठाई खिलाओ ना ताकि कुछ तो। हेलो रमोना आंटी, आप? हाँ मैं यही सोच रही हूँ ना कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गई। ओह गॉड शर्ली, अभी तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं हुई, मुझे लग रहा था मैं ही लेट हो जाऊंगी, सो मैं जल्दी आ गई आई थिंक। पूजा हाय। हाय। ये मिठाई राखी ने मंगवाई थी। भाभी ने तुमसे मिठाई मंगवाई है? गिरीश देख कौन है। बार बार डोरबेल बज रही है, कौन? हम। अभी बिट्टू गुड, आप यहाँ? हाँ ठीक, नमस्ते।
नमस्कार पंडित जी, आप जी मुझे यहाँ पूजा के लिए बुलाया गया। मुझे भी राखी ने बुलाया फोन करके। भाभी ने घर में पूजा रखी है और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। राखी भाभी यहाँ है। हेलो रमोना बहन जी। ओके ओके हे भगवान जी प्लीज बचा लेना। अरे यार क्या हो गया। हेलो हेलो रमोना बहन जी। हू इज दिस? कैसी हैं आप? कौन बोल रहा है? मजाक कर रही थी, राखी बोल रही हूँ। Oh God, what's wrong with you, राखी? कैसी है तू? क्या कर रही है? पास्ता खा रही हूँ। बताओ कैसे कॉल कर लिया? रमोना, देख, बुरा नहीं मानना। घर पे आज एक पूजा है। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। बस तुझे भूल गई थी। तो तू आ रही है ना? अच्छा सुन, कोई फल फ्रूट लेते हुए मत आना। हाँ मिठाई लेते हुए आना। पूजा? पर किस चीज की पूजा? अरे तू आ तो जा, फिर बताती हूँ तुझे। अच्छा सुन, इस पूजा में ना जो सबसे क्लोज फ्रेंड होता है वो मिठाई का भोग लेके आता है और वही भोग भगवान को चढ़ाते हैं। तो तू आ रही है ना? ऑफ कोर्स आ रही हूँ। तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ। तुम्हारी फेवरेट वाली मिठाई भी लेकर आऊंगी। सी यू सून। बाय। यस 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 दी, मैंने कितनी अच्छी आवाज निकाली ना राखी आंटी की, किसको पता ही नहीं चला। अच्छा किया, अब वक्त आ गया कि रमोना आंटी ने जो माँ को जेल भिजवाया था ना वो उसकी कीमत चुकाए। मैंने नहीं बुलाया, राखी आंटी ने बुलाया है। राशन 5 किलो चावल आटा। इसका फोन आ गया। हेलो सरला बहन जी, मैं राखी बोल रही हूँ। हेलो राखी जी, आज ना हमारे घर पे एक पूजा है। सॉरी बताने में थोड़ी सी देर हो गई। आपको आना है, आप आ रही है ना? राखी जी। सरला जी ना मत कहिएगा। हाँ जी, वो सृष्टि सृष्टि राखी जी कह रही हैं कि पूजा में आना है लूथरा हाउस। अरे तो बहुत अच्छी बात है माँ, पूजा में जाना तो अच्छी बात होती है, चाहिए ना? राखी जी हमें। हेलो माँ, यहाँ पर है ना नेटवर्क नहीं मिलता है। आई थिंक आपके रूम में नेटवर्क मिलेगा आपको। तुझे सारे नेटवर्क पता है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है कहाँ नेटवर्क आता है। हेलो हेलो राखी जी, हेलो हेलो हाँ हेलो राखी जी। हाँ सरला बहन जी, आप आ रही है ना? जी मैं आ जाऊंगी पूजा के लिए। ओके थैंक यू। अच्छा रखती हूँ। हाँ नमस्ते। अच्छा नमस्ते। ठीक आपको पता है मम्मा के सामने राखी आंटी की आवाज़ निकालना कितना मुश्किल था, क्योंकि मैं जैसे ही राखी आंटी की आवाज़ निकाली मम्मा स्वयं साक्षात मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैं पकड़ी जाती लेकिन मैं बाल बाल बच गई। थैंक यू रब्बा। चल अब सब लोग यहाँ हैं, जाकर अपना रोल प्ले करता है। राखी जी ने फोन किया था, घर में पूजा है, बोला कि जरूर आना है, इसीलिए मैं आ गई। स्ट्रेंज, भाभी ने सबको इनवाइट किया लेकिन मुझे बताना जरूरी नहीं समझा।
जी मैं पूजा की सारी सामग्री लेके आया हूँ। पूजा किस जगह है वो बता दीजिए, मैं तैयारी कर लूँ और आप लोग भी आके बैठिए। मैं बताता हूँ पंडित जी। गिरीश। यस सर। जाके प्रीता को बुला ले। वो सृष्टि जी भी आई हैं, उन्हें बुला लूँ। हाँ बुला ले। चलिए। सृष्टि भी आई हुई, बताया ही नहीं इस लड़की ने मुझे। बता देती तो हम दोनों साथ ही आ जाते ना। अब वक्त आ गया है हमारे खेल को अंजाम देने का।